मुझे एक कथा याद आ रही है, एक बार इसलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने अपनी संस्था का नाम रखा कृष्ण कॉन्शियसनेस, ताकि अगर कोई बुरा भला कहना चाहे तब भी बुरे भले के साथ भी वो भजन करे। आपने देखा होगा आप लोगों कोई उल्लासनगर में तंग भी करता है, कोई मजाक भी करता है तो बोले राधे राधे, तो न चाहते हुए भी वो अपने मुंह से नाम उच्चार कर लेता, अरे ये हरे कृष्ण वाले जा रहे, न चाहते हुए भी उसने एक बार तो कृष्ण नाम ले लिया, एक बार तो कृष्ण नाम न चाहते हुए लिया और एक बार भी भागवत कह रहा है, उसकी बड़ी महिमा है। और मुझे एक कथा का स्मरण हो रहा है, दो भाई थे एक घर में, मुझे भागवत की कथा का स्मरण आ रहा है, और ये कथा आप भी सुनिए ध्यान से। श्री राधे। दो भाई थे एक घर में, एक सत्संगी था और एक पूरा कुसंगी था। एक संतों के पास जाता, कथा सुनता, कीर्तन करता, भजन करता, सदाचार का पालन करता, और दूसरा उसके बिल्कुल उलट, कोई कथा नहीं, कीर्तन नहीं, नास्तिक, पूरा पूरा कुसंगी, कोई सत्संग नहीं, कोई सदाचार नहीं, कोई कुछ नहीं। जो सत्संगी था उसका गुरु कभी कभी उसके घर आता था, और जिस दिन गुरुदेव हमारे घर आए उस दिन हमारा घर के भाग्य खुल गए। ये है एक शिष्य का भाव होता, जिस दिन ऐसा हो हमारे भाग्य खुल गए। और अगर स्वतः आ जाए, खुद ब खुद आ जाए, तो फिर बात ही क्या कहने। तो फिर बात ही क्या कहने कि अपना अधिकार समझा उन्होंने। जैसे श्री कृष्ण ने विदुर पत्नी को कहा था कि मैं आपके घर आऊंगा, ऐसे ही गुरु महाराज उनके घर आ जाते, और जैसे ही गुरु महाराज उनके घर जाते वो गुरु महाराज को देखते ही दूसरे दरवाजे से निकल जाता। गुरु महाराज ये सब देखते कि जैसे ही मैं आता हूं ये लड़का मुझे देख के भाग जाता, बैठता ही नहीं। ऐसे कई बार हमने देखा, कई घरों में हम जाते हैं तो कई घरों में ऐसा होता है कोई ना कोई व्यक्ति भाग जाता है। तो एक दिन गुरु महाराज ने क्या किया कि जैसे ही वो भागने लगा उसका हाथ पकड़ लिया। देखो संत कितने दयालु होते हैं, निराभिमान, कोई प्रेस्टीज प्रॉब्लम नहीं, कोई अहम की समस्या नहीं, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा तुम मुझे देखकर क्यों भाग जाते हो। कहा आपसे अब मेरी पटती नहीं है, मेरा संतों पे कोई भरोसा नहीं है, सत्संग में कोई विश्वास नहीं है, जो आप कहते हो वो मेरी समझ से सब बाहर है, मैं थोड़ा अलग दिमाग का आदमी हूं, मैं अलग जीवन बिताता हूं, मुझे अभी संसार में बहुत काम करने हैं, आपकी सत्संग में आया तो सब छोड़ छाड़ना पड़ेगा मुझे, अभी तो मुझे बहुत काम करने हैं, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत ये करना है, बहुत वो करना है। संत ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला आज नहीं जाने दूंगा तुमको, एक बार तो तुम्हें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, एक बार तुम्हें भगवान का नाम लेना पड़ेगा। संत दयालु होते, जैसे माँ कभी कभी जबरदस्ती भी बच्चे को दवा पिला देती है, हाथ पकड़ रखा था।
संत ने कहा एक बार बोल दो कृष्ण, बोलिए ना, बोलिए, एक बार बोल दो कृष्ण। उसको गुस्सा आया, बोला आप जबरदस्ती कैसे बोलेंगे, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। संत ने कहा एक बार बोलो ना हरे कृष्ण। लड़के को गुस्सा आ गया, बोला आप जबरदस्ती कैसे बुलाएंगे, मुझे नहीं बोलना हरे कृष्ण विष्णु, मुझे नहीं बोलना हरे कृष्ण विष्णु। संत ने तुरंत हाथ छोड़ दिया, बोला बेटा जो मैं चाहता था वो हो गया, तुमने एक बार तो भगवान का नाम नहीं लिया, भले कैसे भी लिया, गुस्से में भी लिया, लेकिन ले लिया, और भगवान के नाम की बड़ी महिमा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा, तुमने एक बार भी ले लिया तुम्हारा कल्याण तो होगा। क्या कल्याण होगा मेरा, लड़का और उत्तेजित हो गया और गुस्से में आ गया, क्या कल्याण होगा। बोला बेटा जब तुम्हारा शरीर छूटे और शरीर छूटने के पश्चात जब तुमसे कहा जाए कि तुमने भजन किया था, तब कहना एक बार किया था, और एक बार नाम लेने का क्या फल होता है, क्या पूछना, एक बार नाम लेने का क्या फल होता है ये पूछना। लड़का चला गया, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, और राजा हो या रंक हो, आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर जो भी आया है उसको एक दिन तो जाना है, लेकिन कुछ तैयारी करके जाते हैं और कुछ ऐसे ही अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। याद रखना समय और समझ दोनों किसी को एक साथ आ जाए तो बड़े नसीब वाले हैं। अधिकतर लोगों को समझ कब आती है, जब समय निकल जाता है। समय पे समझ आना बड़े भाग्यशाली लोगों को होता है, अधिकतर लोगों को उस समय समझ आती है जब समय निकल जाता है, और अधिकतर लोगों को समझ उस समय आती है जब समय निकल जाता है, और जब समय होता है तो उनको समझ नहीं आती है। आज हजारों लोगों के पास समय है भजन करने का, लेकिन उनको समझ नहीं। आज हजारों लोगों को समय है भजन करने का, समय है सत्संग आने का, समय है कीर्तन करने का, समय है हरि कथा सुनने का, लेकिन उनको समझ नहीं है। और समझ कब आती है जी, जब समय निकल जाता है, पता चला हॉस्पिटल के आईसीयू में है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, अब बुलाओ किसी पंडित ब्राह्मण को और इसको कुछ कथा सुनाओ, अब तो समय निकल चुका, ना उठने के लायक, ना बैठने के लायक, ना बाथरूम जाने के लायक, तो भजन करने का काम होगा। आप लोग बहुत नसीब वाले हो, कृष्ण की कृपा से आपको समय भी है और समझ भी आ गई है भजन करने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, समय भी है और समझ भी आई, और समझ आई कब, समय पे आई। बड़ी अद्भुत बात है ये, समझ आई कब, समय पे आई। और कुछ लोगों के पास समय है तो समझ नहीं है, और समझ आई तो समय चला गया। आज हरि कृपा से आप लोग का शरीर भी स्वस्थ है और समय भी है, और ऐसी अवस्था में आपको समझ भी आ गई कि मुझे हरि भजन करना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए, कृष्ण स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब लड़के का शरीर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होकर एक दिन समाप्त हो गया, समाप्त होकर वो मर गया। जब शरीर उसका समाप्त हो गया तब उसको
ले जाएगा यमराज के दरबार में, और यमराज के दरबार में जाकर चित्रगुप्त, याद रखिए आपका हमारा होता है ना सब लोगों का अकाउंटेंट, आप लोगों का अकाउंटेंट होता है, आप लोगों का सीए होगा कोई इनकम टैक्स वगैरह का जो हिसाब किताब रखता होगा, ऐसे हमारे कर्मों का हिसाब हमारा सीए कौन है, चित्रगुप्त है, जिसके पास सारा हमारा अकाउंट है।